वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम्स लाइव। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। स्टॉर्मी का ब्रेकफास्ट भी अभी जस्ट फिनिश हुआ है। काजल यहाँ पे कुछ अपना काम कर रही है और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। शुभम भी जा चुके हैं ऑफिस और आज थोड़ा जल्दी चले गए, तो इसलिए काम भी थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट एंड ऑल हमने जल्दी जल्दी कर लिया आज। सो गाइस, अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ क्योंकि ना आज मैंने लंच भी थोड़ा लेट करा, नहाने के बाद ना थोड़ा लेट ही हो गया लंच करना। और फिर यार पता नहीं कैसे एकदम से नींद आ गई, और नींद भी ऐसी आई है ना कि मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि सोना है कि नहीं सोना, पता नहीं ऐसे सर सब घूमने लग गया, तो लगा बस सो जाओ। और काजल कह रही है कि लंच में तूने जो वो अचार खाया था, ज़्यादा अचार खाने से भी ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से ना हमें बहुत नींद आती है। मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, अगर आपको कुछ पता है ऐसा होता है तो मुझे प्लीज़ बताओ, कॉमेंट करो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि ना मेरे को टेस्टी लग रहा था। और खाते खाते मैं ना फ़ोन पर भी बात कर रही थी। घर पर ऐसा होता ना कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम ना ऐसे करते करते थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। तुम तो खाते 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 मैंने टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा खा लिया आज पिकल ना, और उसके बाद से ऐसे लगा कि भैया सर घूम रहा है, ऐसे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। तो बस वही मेरे साथ हुआ है। चाय भी लेट हो गई है मेरी, अब मैं फटाफट जाती हूँ चाय पीती हूँ मे भी, तब मेरी आंखें ढंग से खुले है ना। उठ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है बस सो जाओ, छोड़ो सब यार। तो काजल ऐसा सच में होता है? हाँ, ज़्यादा अचार खाने से होता है खट्टा, मतलब कुछ भी। तो इन्हें सब चीज़ों का पता रहता है। और आज मैं लेज़ी फील कर रही हूँ और आज स्टॉर्मी बहुत एक्टिव है। मुझे लगता है स्टॉर्मी ने मेरे को अपनी नींद दे दी है। स्टॉर्मी स्टॉर्मी मेरे को दे दी अपनी नींद। भाई देखो देखो देखो, आज स्टॉर्मी को कोई नहीं रोक सकता, अनस्टॉपेबल। तूफानी बनी है आज, बनी है तूफानी, आज अपने नेम को जस्टिफाई कर रही है ये। यस आई एम स्टॉर्मी। स्टॉर्मी भाई देखो देखो, मतलब देख लो देख लो देख लो कैसे तेल हिला रहा है। स्टॉर्मी बोकू 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 बोकू, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, स्टॉर्मी को आज आप आज स्टॉर्मी बच्चा अच्छे बच्चे जैसे खेल रहा है। नहीं तो नॉर्मली ना भाई इसको सोना ही रहता है दिन में। ये देखो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, इसका खेलते है इसके साथ, इसीलिए रखा हुआ है। स्टॉर्मी देखो देखो, आज स्टॉर्मी ने मेरे को अपनी नीनी दे दी है। स्टॉर्मी आपने नीनी दे दी अपनी मेरे को, ताओ बता दो मेरे को, बता दो मेरे को। भाई इसे हाइड एंड सीख खेलना बहुत पसंद है, पता है? भाग के आएगी इधर घुस जाएगी, फिर देखेगी कि आगे मेरे पीछे है नहीं। कौन है ये? अरे ये कौन है? कौन स्टॉर्मी? नोटी बेबी देख लो। ओ भाई साहब, इसे उतरना है नीचे। चलो चले चलो चले, अंदर चलते चलो। देख रहे हो आज, देख रहे हो आप पीछे आज। स्टॉर्मी ये देखो, ये मुझे कह रही है नीचे उतारो, और इतनी पंगे हुआ देखना। फिर मैंने बोला ये मुझे कह रही है नीचे उतारो, अभी ना मुझे टांग मार रहा था और अभी देखना बिल्कुल स्टेबल। ये देखो इसका मतलब है कि नीचे जाना है। कहाँ जाना है नीचे स्टॉर्मी? कहाँ जाना है अपने नीचे बता। आज मैंने बुरी खेली खेली की, आज मैं तूफानी बना हुआ था, घूमी घूमी की मैंने आज बुरी सारी बता। आज ना सुबह से उठते ही इतना एक्टिव है ना ये भाई, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इसे। बताओ आज मैंने पूरा दिन नहीं छाए छाए किया, खिली खिली की। नमस्ते 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 नमस्ते। रबू धो के आई हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ यार, और चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, चाय बनाने की तो लगा यार नहीं चाय नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा एप्पल ले लिया, बस यही खा रही हूँ अभी। आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, इवनिंग में मनसा नहीं कर रहा ना, नींद सी आ रही है अजीब सी, तो बस यही खा रही हूँ और देखती हूँ फिर उसके बाद। सो अभी शुभम को आने में बहुत टाइम लग रहा है ऑफिस के ना, तो टाइम लग रहा है मतलब आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा आज उन्हें आने में वापस। सो मैं क्या कर रही हूँ आज कि आज मैं क्या कर रही हूँ पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं आज बहुत ही लेज़ी लेज़ी सा फील कर रही हूँ, बहुत ही लेज़ी हूँ आज मैं। और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी चॉपिंग, थोड़ा सा गार्लिक और अनियन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर। तो कुछ इतना कुछ यूनिक तो बना नहीं रही हूँ, आई होप ये सबको ही आता होगा ना, आई होप। अरे कोई इसमें होप वाली बात नहीं, किसी को नहीं भी आता होगा, तो बस यही बनाऊँगी आज मैं, और बस उसी की शॉपिंग कर रही हूँ। और यार पता नहीं आज क्या ही हुआ, आज थोड़ा बोरिंग ही रहा पूरा दिन, थोड़ा ना ऐसी सुस्ती सी पड़ी थी मुझे। क्या हुआ? अच्छा स्टॉर्मी कहाँ है?
शॉपिंग कर रही हूँ, बाजू भी थोड़ा बाहर गई है। घर पे सब प्रेफर करते हैं कि जो पनीर है ना उसे कुकर में बनाया जाए। हिमाचल में, हिमाचल में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग है ना वो उसमें ही बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं मटर पनीर, पर मैं प्रेफर करती हूँ कढ़ाई या पैन में बनाना, क्योंकि ना वो फिर थोड़ा वो बड़ा लिक्विड लिक्विड सा हो जाता है, पानी पानी वाला है ना, तो मतलब मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा थिक ग्रेवी पसंद है इसमें, तो मैं ऐसे पैन में ही बनाती हूँ या कढ़ाई में, किसी में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मटर में फ्रोजन यूज़ कर रही हूँ तो वो तो फटाफट से पक जाएंगे, तो कुछ कोई उसे प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे बनाने वाली हूँ, मैं आपको बताती जाऊँगी जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो करूँगी, मतलब जैसे मैं बनाऊँगी। वैसे इतना कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि ऐसे ही बनाना, कोई मेरी इतनी कोई रेसिपी नहीं है, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से बना रही हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी साथ के साथ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, सो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें एक बे लीफ, ठीक है, मैंने डाल दिया है आधा पौना, जितना भी है बस इतना ही डालूँगी मैं, और थोड़ा सा डाल दूँ इसमें जीरा, थोड़े से काटे हुए लहसुन, इसे थोड़ा सा होने देते हैं, फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चॉप किए हुए अनियन, पहले कर लेते हैं ना, ग्रेट किए हुए तो जल्दी हो जाएंगे, तो पहले चॉप किए हुए भी डाल देती हूँ साथ में, और ये मैंने डाल दिए चॉप किए हुए अनियन। देखो ना जो अनियन है ना चॉप नहीं करना होता यार, इसे ना ग्रेट या फिर आप जो भी ग्राइंड करके बना सकते हैं। तेल ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने डाले हैं अभी आधे अनियन, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना मुझे थिक ग्रेवी पसंद है इसमें, तो थोड़े से मैंने ग्रेट करके रखे हुए हैं, ये मैं डालती हूँ थोड़ी देर में ही। पहले मैं इन्हें ब्राउन फ्राई कर लूँ, फ्राई मतलब थोड़ा सा अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँ, ज़्यादा कर देती हूँ थोड़ी जल्दी हो जाए। और ये यहाँ पे मैंने इसे पानी में डाल दिया क्योंकि थोड़े जम से गए हैं बर्फ में ये, और ये भी ऑलमोस्ट भुन गए हैं, ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैं इसमें ना दूसरे वाले अनियंस डाल देती हूँ, फिर ज़्यादा भुनने के बाद डालूंगी तो फिर ये ज़्यादा ब्लैक से हो जाएंगे। लो जी मैंने बाकी के अनियंस भी डाल दिए हैं, देखो अभी ना ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, मैंने पूरे मसाले के हिसाब से डाला था, पहले बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ऑयली बन रहा है, तो यार इतना ऑयल तो जाता ही है ना कुछ चीज़ों में। तो उसे फ्राई होने देते हैं, तब तक मैं टोमेटो की ग्रेवी करूँगी, ग्राइंड नहीं करने वाली आज मैं। तो जब तक ये भून रहा है ना मैं इसे थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि मुझे ऐसे ही खड़े ना रहना पड़े इसके पास, और साथ के साथ कोई और काम भी हो जाए, ये सिंक भरा पड़ा है। तो चलो मैं ये क्लीन कर लेती हूँ साथ के साथ, मेरा ये पीछे जो मसाला ये भुन जाएगा और साथ के साथ मेरा ये भी क्लीन हो जाएगा ना, तो ये भी साथ में मैं कर रही हूँ। तो टमाटर डाल देती हूँ अभी, ये पूरा हो चुका है ब्राउन, एक हाथ से ऐसे पकड़ना और एक हाथ से ऐसे डालना तो मुश्किल हो जाता है। तो इधर ना मैंने पानी और ये मटर ऐड कर दिए इसमें, थोड़ा सा इन्हें होने देते हैं बॉयल, और जब ये थोड़े से बॉयल होने लग जाएंगे ना तो थोड़े सॉफ्ट बढ़ जाएंगे, उसके बाद मैं पनीर भी डाल दूंगी। सो देखो एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया मेरे मटर, और अभी हम डालेंगे इसमें पनीर क्यूब्स। लो जी डाल दिए, मैं ना थोड़ा लाउड होके थोड़ा फालतू बातें करके थोड़ा ऐसे करके बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो सुस्ती है ना मेरी उड़ जाए, पर ना भाई ये ना अभी थोड़ा पतला है, इसे थोड़ा ठीक होने में टाइम लगेगा, तो इसे थोड़ा सा हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पनीर के अंदर सोख हो जाए और ये और भी टेस्टी हो जाए। तो चलो इसे होने देते हैं, और देखो भाई मैंने साथ के साथ मैंने बोला था ना मैं ये भी करूँगी, देखो बिल्कुल सफ़ा चट क्लीन कर दिया मैंने, ये काम भी हो गया मेरा फिनिश, देखो है कुछ कुछ भी नहीं। और आज ना पूरी सुस्ती मेरे को स्टोरमी ने अपनी दे दी है, हमेशा ये लेजी रहता था और आज ये ना बड़े मजे से खेल रहा है ना स्टॉर्मी। ऊपर देखो देख ही रहा कि बंद कर रखी इसे नींद में, आगे तुम अभी भी घर नहीं आए और सब्जी मैंने बना दी है, मैं जाती हूँ काजल को कराती हूँ टेस्ट, और तो मैं क्या ही करूँ फिर है ना। काजल टेस्ट करके बताना कैसी है,
लाइट ऑन करती हूँ। स्टॉर्मी कहाँ है? हाँ, अरे यहाँ पे देखो, बड़ा टेस्टी है, टेस्टी एकदम मस्त। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इतना टेस्टी है कि काजल की कितनी मजबूर वॉइस लग रही है खाते हुए। नहीं, बड़ा ही टेस्टी है, मेरी आंख लग गई थी ना अभी। हाँ, आपको भी सुस्ती पड़ गई थी। मजा आ गया। सो गाइज, ये था मेरा सुस्ती से भरपूर दिन। आज बहुत ही ज्यादा सुस्ती पड़ी हुई थी, जैसा कि आपने पूरे ब्लॉग में देखा ही था यार, आज ना कुछ ऐसे ही दिन निकला है। सो ये था मेरा एक बहुत ही सुस्त ब्लॉग। अगर आपको ये फिर भी पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक तरो ताजा और थोड़े फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।